लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होते ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान। कहा, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व जो है उसकी शुरुआत हो गई है और हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है और पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है। और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों से बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही स्पेशल पैकेज मिला है, ना ही बिहार को दिया गया। और दूसरा, केंद्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया? बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, कोई भी काम जो है बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसका क्रिटिसिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अन्य मंत्रियों ने भी किया। और हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के बीजेपी से नाराज चलने पर राष्ट्रीय जनता दल का आया बड़ा बयान। पशुपति पारस को दिया बड़ा ऑफर। पशुपति पारस को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा ने भतीजे के साथ खेल किया और अब चाचा के साथ भी खेल कर दिया। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस साथ आएंगे तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ। एक एक सीट के लिए नाको चने चबाना पड़ रहा है। कभी भतीजा के साथ बीजेपी ने खेल किया था और चाचा के साथ किया है, तो आदरणीय पशुपति पारस जी को फैसला लेना है। और जो लोग देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का संकल्प लेना चाहते हैं वो साथ आएंगे, सबका स्वागत है। जनता तैयार है बदलाव के लिए और ये दिखेगा इस मुकाबले में कि जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत हुई तेज। एनडीए में सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान। एनडीए में सीट शेयरिंग में हो रही देरी वाले सवाल पर जीतन राम मांझी का आया बयान। कहा, अभी तक महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, एनडीए में जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा। कोई लेट नहीं है एनडीए का, महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया क्या? लोगों का नहीं हुआ है तो लेट कैसे? हम 40-44 वर्ष से रहे हैं, 13-14 इलेक्शन हम लोग देखा है, लड़े हैं। तो ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके एक दो रोज के अंदर लोग सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। यहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है, आज फाइनल हो जाना चाहिए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का आया बड़ा बयान। कहा, एनडीए में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, 24 से 48 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये है सीट शेयरिंग, सही समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सीट शेयरिंग की भी औपचारिकता जो होती है पूरी कर गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है और हम समझते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में ऐलान संभव है और हम लोग सब मिल करके एक साथ जॉइंट पीसी करके ऐलान करेंगे, इसलिए इसमें कोई समस्या। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में सियासत हुई तेज। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार हुई है वहां पेपर लीक मामला बढ़ते ही जा रहा। नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह, अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं उसके पीछे ही उत्तर। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम कीजिए। शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत हुई तेज। तेजस्वी यादव के आरोप पर भड़क गए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी।
तेजस्वी यादव ने पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल तो सम्राट चौधरी ने कहा उनका दिमाग खराब हो गया, यह राजद नहीं है, एक एक चीज की जांच हो रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन,